नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने आगामी साइक्लोन अम्फन के बारे में चेतावनी जारी करी है। जानेंगे अम्फन और इससे जुड़े तथ्यों के बारे में। लेक्चर के एंड तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है इसके बारे में भी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। हाल ही में साइक्लोन अम्फन न्यूज में रहा जब नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने साइक्लोन अम्फन के बे ऑफ बंगाल में बनने की सूचना दी। डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एंड नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी डिसीजन लेती हैं। ये नेशनल लेवल पर टॉप डिसीजन मेकिंग कमिटीज हैं। ये तो बात हुई अम्फन के न्यूज में रहने की। अब देखते हैं इससे जुड़े तथ्यों को। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि ये बे ऑफ बंगाल में बन रहा एक सुपर साइक्लोन है, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ मई 20 को, तो ऐसा अनुमानित है कि ये आज दोपहर में या फिर शाम को उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट को बुरी तरह हिट करेगा। ऐसा माना जाता है कि 1999 के उड़ीसा साइक्लोन के बाद ये पहला सुपर साइक्लोन है, ऐसा हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी कहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1875 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर काम करता है। तो उसके मिनिस्टर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन जारी करता है। तो आप मेरे को, जैसा मैंने बोला कि 1999 उड़ीसा साइक्लोन के बाद पहला साइक्लोन होगा जिसे सुपर साइक्लोन हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो उड़ीसा के साइक्लोन की कितनी विंड स्पीड थी उस टाइम जब इसे सुपर साइक्लोन बोला गया था, वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और इससे जुड़े एक तथ्य को और जानते हैं। ये जो अम्फन साइक्लोन है वो 2 साल में दूसरा प्री मानसून साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल में बन रहा है। इससे पहले साइक्लोन फानी आया था, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा ये साइक्लोन फानी कौन सी कंट्री ने सजेस्ट किया था इसका ये नाम और इसने कहां कहां हिट किया था। और ऐसा माना जाता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने में प्री मॉनसून पीरियड अनसपोर्टिव होता है, वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो ये थे जुड़े इससे तथ्य। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या विंड स्पीड रहेगी। देखिए, जैसा मैंने बताया ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन में तब्दील हो सकता है, ऐसा IMD कह रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है। इसकी जो विंड स्पीड है वो 120 नोट्स और 222 किलोमीटर तक अनुमानित है और सस्टेन्ड स्पीड भी 155 to 165 किलोमीटर तक रह सकती है, जो कि बढ़ के 185 किलोमीटर पर आर तक भी सस्टेन कर सकती है। तो इतनी ज्यादा इसकी स्पीड हो सकती है। ये जो हमारा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला एरिया, देखिए ये जो है ये बे ऑफ बंगाल है हमारा, राइट, ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तटों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। देखिए, जो ये बे ऑफ बंगाल में जब भी कोई साइक्लोन बनता है, जब भी कोई चक्रवात बनता है, तो वो सबसे पहले उड़ीसा को ही हिट करता है। तो हमें उड़ीसा पर अलर्ट जारी कर दिया था हमने 15 मई को ही। अब हम इसके संक्षिप्त मैप में देखते हैं। देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर साइक्लोन ये पूरी तरह बन रहा है। तो इससे जुड़े हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने क्या कदम लिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने विंड स्पीड्स लिख दी हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, हमारे IMD ने हमें ये बताया कि ये जो बुरी तरह लैंडफॉल करेगा, सीवियर साइक्लोन है ये, और ये वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड्स और दीघा वाले एरिया, बांग्लादेश के हतीगा आइलैंड्स और उड़ीसा के पैराद्वीप में बुरी तरह तबाही मचा सकता है। वहां देर तक भारी बारिश होने का अनुमान है। और बांग्लादेश के खेपूपुरा में तो ये बुरी तरह तबाही मचाएगा, क्योंकि वहां जो विंड की स्पीड है वो 425 किलोमीटर पर आवर तक रह सकती है। तो ये एक बहुत ज्यादा स्पीड होती है एक साइक्लोन आने की, राइट। तो ये तो बात थी इसकी स्पीड की। अब हम जो इसकी बात कर रहे थे, हमने लेक्चर में ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बारे में मेंशन किया था और नेमिंग के बारे में, तो वो भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो साइक्लोन अम्फन है, ये जो नाम है वो थाईलैंड ने सुझाया है, थाईलैंड ने इसको नाम अम्फन दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताइएगा कि साइक्लोन अम्फन के बाद जब दूसरा साइक्लोन आएगा, इसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका क्या नाम होगा और कौन सी कंट्री ने उसे सुझाया है। चलिए मैं नाम बता देती हूँ, उसका नाम निसर्ग होगा। और कमेंट सेक्शन में आप कंट्री का नाम लिखकर बताइएगा। देखिए, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स क्या होते हैं। देखिए, वो होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में डेवलप होते हैं, टू बी वेरी सिंपल, और अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री एंड 30 डिग्री लेटीट्यूड्स पर जब विंड की स्पीड 74 माइल्स पर आर के पास पहुंचती है, तो इसे ऑफिशियली हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। जब ट्रॉपिकल डिप्रेशन कब होता है उसे हम, जब ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है तो उसे वीकेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। और जो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है वो विंड की स्पीड जब
39 माइल्स पर आवर तक सस्टेन कर जाती है तो हम इसे ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म की श्रेणी में रखते हैं। देखिए ये कैसे बनते हैं, जब हवा गर्म होती है, मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट मतलब हवा में नमी होती है, तो ये फ्यूल का काम करती है, तो ये साइक्लोन बनते हैं। इसीलिए ये वार्म ओशियंस में ये जो हमारे साइक्लोन्स हैं वो डेवलप होते हैं बिल्कुल इक्वेटर के पास। तो ये था थोड़ा सा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बारे में। आप कभी कभी कंफ्यूज होते होंगे कि कहीं कहीं साइक्लोन बोला जाता है, कहीं हरिकेन, कहीं टाइफून। देखिए ये सब चीजें सेम ही हैं, बस नाम अलग कर दिए हैं। नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक वाले एरिया में साइक्लोन को हरिकेन बोला जाता है, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में इसे टाइफून बोला जाता है, और साउथ वेस्ट पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन्स में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। तो इससे निपटने के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन पहले ही पता चल गई है, साइंस एडवांस हो चुकी है। पहले ऐसा नहीं होता था कि हमें साइक्लोन्स के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन पता चल जाए और हम तबाही से अपने आप को पहले से बचा सकें, लेकिन अब पता चल जाता है। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की जो फिशरमैन हमारे बे ऑफ बंगाल में थे उन्हें वापस बुला लिया है और करीब लाखों लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है वल्नरेबल एरियाज से सेफ प्लेसेस पर। इसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेमिंग कैसे की जाती है साइक्लोन्स की। देखिए 2004 से पहले बड़ा मुश्किल होता था, कंफ्यूजन हो जाती थी, कोई कंट्री साइक्लोन का कुछ नाम दे देती थी, कोई कुछ दे देती थी अपने अकॉर्डिंग, तो उसमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती थी। लेकिन 2004 के बाद इंडियन ओशन रीजन में एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई जिसका नाम रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर रखा गया, जिसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में है। इसमें 8 कंट्रीज थी इनिशियली, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, लेकिन अब जो ये कंट्रीज हैं वो बढ़कर 13 हो गई हैं, तो जो 5 कंट्रीज ऐड हुई हैं उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। तो ये एक लिस्ट जारी करती हैं जो आरएसएमसी में अप्रूव्ड लिस्ट में जो नाम होते हैं वही साइक्लोन्स को दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था कि हम कैसे नेमिंग करते हैं, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं कि ये जो अथॉरिटी है, ये जो गवर्निंग बॉडी है, इसे बनाया गया, इसमें कुछ कंट्रीज और जुड़े हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। तो ये था लेक्चर हमारे साइक्लोन अम्फन के बारे में। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।